हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग उन सभी करियर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि प्रोसेस सिंपल हो, इजी हो और फास्ट हो। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसे देश की बात करने जा रहा हूँ जहाँ के प्रोसेस के लिए ना तो आपको किसी भी टाइप का PCC चाहिए हो, मीन्स ना तो आपको SSP ऑफिस का PCC चाहिए, ना ही पासपोर्ट ऑफिस का PCC चाहिए, और प्रोसेस के दौरान ना तो आपको VFS जाना है और ना ही आपको एम्बेसी जाना है। आपको जो वर्क वीज़ा है वो एज़ ई वीज़ा मिल जाएगा। सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% का है। सबसे अच्छी बात, 6 मंथ से लेके 12 मंथ के दौरान आप काम करने के बाद, यानी कि बस 6 से 12 महीने आप काम कर लीजिए, लगभग 6 से 12 महीने के बाद आप इजिली माइग्रेट कर सकते हैं शैनिगन जोन में। जेन्युइनली कंपनीज आपको NOC यहाँ पर ऑफर कर देती हैं, राइट? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्बेनिया की। अल्बेनिया यूरोप का एक ऐसा देश जो कि बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने वाला है। अल्बेनिया कई सारे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से ग्रीस भी एक ऐसा कंट्री है जो कि पहले से शेंगेन जोन का मेंबर है, बाकी का सर्बिया है, कोसोवो है, राइट? और ये अपना मरीन बॉर्डर जो है और भी शेंगेन कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। दोस्तों, अब अल्बेनिया की सक्सेस स्टोरीज आपने देखी ही होंगी हमारे चैनल पर, अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, राइट? हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं अल्बेनिया जा रहे हैं इन दिनों। तो दोस्तों, अल्बेनिया क्यों जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, राइट? हमने आपको क्लियरली बता दिया। दोस्तों, हमारे पास अल्बेनिया की मल्टीपल वैकेंसीज अभी चल रही हैं। आप इस समय भारत में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं और वहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यस, इट इज़ पॉसिबल। ECR, ECNR, फ्रेशर्स, हर तरह का व्यक्ति माइग्रेट हो सकता है। बस आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए, आपके पास एक जनरल पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। अब वैकेंसीज क्या हैं दोस्तों? देखिए, हमें हेल्पर्स चाहिए। हेल्पर्स जो हैं प्रोडक्शन कंपनीज के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए चाहिए, साथ ही साथ हमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स भी चाहिए, साथ ही साथ हमें कुछ कार वॉशिंग के लिए भी क्लीनर्स चाहिए, राइट? तो ये मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं हमारे पास, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए हमें बल्क में कैंडिडेट चाहिए और कार वॉश के लिए भी हमारे पास कुछ क्वांटिटी अभी बाकी है, राइट? तो जैसे ही आप इस ब्लॉग को देखें दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पिछले 2 साल से या उससे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं आपको बोला करता था कि देखिए, क्रोशिया भी शेंगेन जोन में नहीं है, EU का मेंबर है, एक दिन शेंगेन में आ जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। आज आप वो सब कुछ देख रहे हैं। आज के डेट में नो डाउट क्रोशिया में सैलरीज डबल हो चुकी हैं, राइट? नो डाउट क्रोशिया शेंगेन जोन का मेंबर बन चुका है। लेकिन आपको याद होगा वो टाइम जब लॉकडाउन के तुरंत बाद में बोला करता था कि भाई बहुत जल्दी शेंगेन जोन का मेंबर बनने वाला है, बहुत जल्दी शेंगेन जोन का मेंबर बनने वाला है, जल्दी से अप्लाई कर लें। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बुल्गारिया का। और कुछ दिन पहले तक, अगर आप, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये बातें आपको तभी पता होंगी अगर आप जेन्युइनली हमें फॉलो कर रहे हैं कुछ समय से या फिर किसी और ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि सर्बिया, अब देखिए सर्बिया भी यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ समय पहले तक सर्बिया का जो टूरिस्ट वीज़ा था ना, वो इंडियंस के लिए अराइवल पर था, वीज़ा ऑन अराइवल था। मीन्स सर्बिया का विजिट लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत आसानी से सर्बिया का वीज़ा हम भारतीयों को मिल जाया करता था, राइट? लेकिन आज के डेट में देखिए सर्बिया के लिए कितना क्लियर कट गाइडलाइंस आ गया दोस्तों। चाहे आपको एज अ टूरिस्ट जाना हो, चाहे आपको वर्क वीज़ा पर जाना हो, आज की डेट में सर्बिया का भी अपना चेकलिस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्बिया भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है और उसके लिए कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली EU का मेंबर बन जाएगा दोस्तों, राइट? सेम एग्जांपल मैं आपको अल्बेनिया के लिए दे रहा हूं दोस्तों। अभी सही टाइम है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्बेनिया की जो गवर्नमेंट है वो भी पूरा कोशिश कर रही है कि आने वाले 2 से 3 सालों में उनको जो है EU का मेंबरशिप मिल जाए। और आपको पता है एक बार यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल गई तो उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो शेंगेन जोन का मेंबरशिप होता है, राइट? और ये हमने देखा है, क्रोशिया के केस में हमने देखा, बुल्गारिया के केस में हमने देखा, राइट? और इससे पहले अगर आप थोड़ा और देखेंगे तो हिस्टोरिकली जब से ये शेंगेन जोन बना है, जब से EU का कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे देशों ने इस तरीके से ही ज्वाइन किया है, राइट? सो इन शॉर्ट, हम भारतीयों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अल्बेनिया के अंदर जाकर वर्क वीजा पर काम करने का, ठीक है? PCC नहीं चाहिए फिलहाल, VFS नहीं जाना है, राइट? नहीं आपको एम्बेसी जाना है, ई वीजाज मिल रहा है, वर्क वीजाज ही देंगे हम आपको, राइट? शॉर्ट जाकर आपको काम मिलेगा। आपको पता है आप जो है कॉन्ट्रामेंटस का ब्लॉग देख रहे हैं और हमारे यहाँ ऑथेंटिक काम होता है। हम लोग कोई भी शॉर्टकट या जुगाड़बाजी वाला काम कभी भी नहीं करते। वी ऑलवेज एंश्योर कि हम आपको जो भी बोलें वो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। और अगर कभी कोई भी दिक्कत आती है देन ऑफकोर्स हम आपको पूरा असिस्ट करते हैं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड वी वर्क आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट? बट हम इस चीज़ को हमेशा इंश्योर करते हैं कि आप हमेशा जेन्युइन पेपर्स पर जाएं, वर्क वीज़ा पर जाएं और जिस काम के लिए जाएं आपको वही काम मिले, आप वहाँ ग्रो हों, राइट? तो दोस्तों, अल्बेनिया की मल्टीपल वैकेंसीज आ चुकी हैं हमारे पास। हमें अल्बेनिया के लिए प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए, राइट? फैक्ट्री में जो हेल्पर्स होते हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स का काम आ गया है,
जब आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करेंगे, वो आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर कर देंगे और भी आपको बताएंगे कि किस तरह का फैक्ट्री है, क्या काम होता है। मीन्स अच्छा काम है, इंडोर काम है, राइट, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम है, अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन हेल्पर जाना चाहते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम है। साथ ही साथ हमारे पास क्लीनर्स का काम है, स्पेशली जो एज अ कार वॉश का काम करते हैं, राइट, आपको पता है जहाँ कारों का वॉशिंग वगैरह होता है। तो ये सभी काम हमारे पास हैं, काफ़ी बल्क में हैं, और अभी ये सही समय है यूरोप जाने का, अल्बेनिया जाने का। दोस्तों कुछ और बातें हैं जो कि अल्बेनिया को यूनिक बनाती हैं। अल्बेनिया का वीज़ा प्रोसेस तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट है, फास्ट है, क्विक है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि अल्बेनिया अपना लैंड और मरीन बॉर्डर बहुत सारे अच्छे कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, चाहे वो सर्बिया हो, राइट, ग्रीस जैसा शेंगन कंट्री भी जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स एक और खास बात है अल्बेनिया की कि अधिकतर एम्प्लॉयज यहाँ पर आपको 6 to 9 months या ज़्यादा से ज़्यादा 12 months के बाद NOC प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप कंट्री स्विच करना चाहते हैं या फिर अपना एम्प्लॉयर स्विच करना चाहते हैं। ऑफकोर्स एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर ये जो टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, बट यस इट इज़ पॉसिबल, राइट। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अल्बेनिया अपना बॉर्डर जो है ग्रीस के साथ शेयर करता है जो कि एक शेंगन कंट्री है, सर्बिया के साथ शेयर करता है जो कि आने वाले दिनों में EU का मेंबर बनने वाला है, राइट, और अपना मरीन बॉर्डर जो है ये और भी शेंगन कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। तो अल्बेनिया में आप जाएं, वहाँ पर काम करें, राइट, और उसके बाद में कुछ समय के बाद आप जेन्युइनली कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं अल्बेनिया की, प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको जल्दी जाना है, आसानी से जाना है, बिना किसी प्रॉब्लम के जाना है और एक कम बजट में भी जाना है, राइट। तो ये भी एक एडवांटेज है अल्बेनिया का। और यहाँ पर जो हमने आपको सैलरीज मेंशन की है, प्लीज़ आप नोट करेंगे 8 hours 5 days के हिसाब से हैं, यानी कि 8 घंटा हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से ये सैलरीज हमने मेंशन की हैं। ओवर टाइम अलग से है। रहने खाने की व्यवस्था जो है एम्प्लॉयर के द्वारा की जाएगी या फिर आपको जो है फूड दिया जाता है या फिर किचन दी जाती है, बट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर होता है, राइट, और ओवर टाइम आप पक्का कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्बेनिया के अलावा हमारे पास फिलहाल ग्रीस, बुल्गेरिया, रोमानिया, माल्टा, राइट, और भी कई सारे शेंगेन देशों की वैकेंसीज चल रही हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। तो अगर आप जो है यूरोप के किसी और देश में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम के साथ जरूर बात करें, 10 a.m. to 6 p.m. मंडे टू सैटरडे। यूट्यूब के साथ साथ हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को जरूर फॉलो कर लें, राइट, हमारा जो व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैनल है आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लें। देखिए यूट्यूब का जब मैं मैट्रिक्स देखता हूँ ना, मीन्स तो हमें उसमें क्लियरली दिख जाता है कि 60% से ज़्यादा लोग हमें फॉलो तो करते हैं बट हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चैनल मैंने बनाया है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन लोगों को जिनको जेन्युइनली माइग्रेट करना है। इस चैनल पर मैं कभी भी लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली रोजी रोजी बातें नहीं करता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आज तक मैंने लग्जमबर्ग या न्यूजीलैंड या फिर किसी ऐसे देश का कोई इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाया जहां का मैं काम ना करा सकूं या वहां की वैकेंसी मेरे पास ना चल रही हो। कभी मैंने ऐसे नहीं बोला कि यूरोप में फ्री में भेज रहा हूं या मुझसे CV बना लो और इन 5 कंपनियों को मेल डाल दो, वीज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जेन्युइनली माइग्रेट करना चाहते हैं एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू जहाँ पर हर एक चीज़ आपको ट्रांसपेरेंटली बताई जाएगी, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।